आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ध्यान से सुनना। काफी सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या रूरल बैंक की जॉब जो होती है रीजनल आरआरबी की, जिसका भी नोटिफिकेशन आया है, उसकी जॉब क्या आईबीपीएस पीओ क्लर्क से भी अच्छी होती है। तो मैं इसके अंदर आपको कुछ रीजन समझाऊंगा कि क्या ऐसी चीजें होती है जो उस जॉब को इससे भी अच्छी बनाती है, और क्या कारण होते हैं कि जो एसबीआई पीओस वगैरह भी होते हैं वो आरआरबी के अंदर स्किल टू के लिए अप्लाई करते हैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे, और क्या इसके अंदर कुछ एक नेगेटिव्स भी होते हैं जो आईबीपीएस और एसबीआई की जॉब को इससे थोड़ा बेटर बनाते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मैं वीडियो में बहुत ध्यान से आपको समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमसे काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन की तैयारी कहां से करें। तो एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, फिजिक्स वाला पब्लिकेशंस की, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस करके। इसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1000 प्लस मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। मैं बुक को आपको अंदर से भी, मैंने खुद ने बुक देखी है, तो आप भी जाके इस बुक को अमेजोन और फ्लिपकार्ट स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स वाला स्टोर से परचेज करेंगे तो हमारा कूपन कोड couple100 लगा सकते हैं, वहां पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर रहा हूँ, वहां से जाके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या आरआरबी की जॉब्स बैंक पीओ या पब्लिक सेक्टर बैंक की जॉब से ज्यादा बेटर होती है और क्या इसके कारण रहते हैं। देखो, सबसे जो मेन कारण इसका रहता है वो ये रहता है कि इसके अंदर जो आपकी पोस्टिंग आती है, सबसे मेन कारण मैं आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पे काफी सारे बच्चे मुझको ये कमेंट करके बोल सकते हैं कि आप बेकार की बात करते हो, अभी हमारे पास जॉब नहीं है, हमको कहीं भी इंडिया में पोस्टिंग दे दो, हम जाके जॉब कर लेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको समझा दूं, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, ऐसे लोगों को जो पहले जॉब के लिए मरते थे और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, दो दो तीन तीन जगह उनका सिलेक्शन हुआ और उन्होंने नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर की जॉब ज्वाइन कर ली, और उसके बाद जब उनकी पोस्टिंग पीओ के अंदर 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जब घर से आती है, कोई उत्तर प्रदेश का लड़का है, राजस्थान का लड़का है, हरियाणा का लड़का है, उसकी पोस्टिंग जब वो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इस तरफ जब पोस्टिंग आती है, तो ये कहने को चीज़ें बड़ी आसान लगती है कि वहाँ तो बहुत अच्छी घूमने की जगह है। जब आप किसी जगह घूमने के पर्पज़ से जाते हो तो बात अलग होती है, और जब आप जॉब करने और रहने के पर्पज़ से जाते हो तो बात बहुत अलग होती है। चीज़ें जितनी आपको दूर से बैठ के आसान लगती है और अच्छी लगती है, जब आप सीट के उस तरफ जाओगे तो चीज़ें एकदम से बदली बदली नज़र आती है। जब आप ब्रांच से 8 बजे 9 बजे छूटोगे, उसके बाद आपको वहाँ पे लैंग्वेज का इतना ज़्यादा बैरियर आएगा, वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव्स नहीं रहेगा, आपको खाने के लिए सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ेगी, तो यही जॉब जो होती है वो आपको बुरी लगने लग जाती है और आरआरबी की जॉब अच्छी लगने लग जाती है। इसीलिए अगर आप कभी, आपके पास कोई डेटा निकल जाए कि आरआरबी के अंदर जो स्किल टू सेलेक्ट होते हैं उनमें से कितने सारे लोग पब्लिक सेक्टर बैंक से आते हैं और कितने लोग नॉर्मल रूरल बैंक से आते हैं, वहाँ से जाके आपको पूरा डेटा समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर वहाँ की जॉब ज़्यादा अच्छी होती है आरआरबी से, तो ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे एसबीआई पीओ, उनको पता है कि अगर एसबीआई के अंदर हम प्रमोशन लेंगे तो हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी वो आरआरबी की जॉब में अपने आप को स्विच कर देते हैं, एग्जाम देके वहाँ का पेपर क्लियर कर देते हैं। उसका मेन कारण ये है कि उनको होम स्टेट में पोस्टिंग चाहिए होती है। होम स्टेट में अगर आपको भले ही 200 किलोमीटर भी दूर मिल जाएगा तो भी आपको वो चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी, जो लोग टफ जॉब फाइट करके पहले एग्जाम क्लियर करके वहाँ जॉब कर चुके हैं, क्योंकि अपने स्टेट में आपको चीज़ें मैनेज करना काफ़ी आसान पड़ता है दूसरे के कंपैरिजन में। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं वहाँ काफ़ी सारे क्लर्क्स पीओ ऐसे होते हैं जो प्रमोशन नहीं लेते हैं, इसी रीजन के कारण, ट्रांसफर पॉलिसी के कारण। क्योंकि एक ऑफिसर जब बाहर का टेन्योर काट के आ जाता है तो 7 से 8 साल अपना होम स्टेट में पोस्टिंग ले सकता है, लेकिन वो जैसे ही प्रमोशन लेगा उसका जो ट्रांसफर है वो ऑल ओवर इंडिया वापस कहीं ना कहीं बैंक जो है बार बार करने लग जाता है, और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, उसकी लाइफ बार बार डिस्टर्ब होती है। तो काफी सारे लोग जो रहते हैं वो प्रमोशन लेते ही नहीं है बैंकिंग के अंदर, लेकिन आरआरबी के अंदर ऐसा नहीं है। आप अपने करियर में ग्रो कर सकते हो, अगर आप स्किल वन रिक्रूट हुए हो और अगर आप जीएम की पोस्ट तक भी पहुंचते हो तो आपका जो स्टेट है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग की तरह आपको ऑल ओवर पूरे कंट्री के अंदर, भारत के अंदर आपको कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्कलोड, अब वर्कलोड में आप कह सकते हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि आरआरबी में वर्कलोड कम है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आरआरबी के अंदर वर्कलोड कम है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे उसका एसबीआई से या पब्लिक सेक्टर बैंक से, तो कंपैरेटिवली आरआरबी के अंदर वर्कलोड जो है वो कम रहता है। इतना ज्यादा वर्कलोड आरआरबी में नहीं रहता है जितना दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक में रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको खाली बैठने को मिलेगा और आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, टारगेट्स नहीं रहेंगे, वो सारी चीजें रहेगी, लेकिन जब मैं कंपैरेटिव वर्ड यूज कर रहा हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कंपैरेटिवली वहां पे प्रेशर जो है वो कम रहता है। चौथा इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके अंदर जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है। अभी इनका वेज रिवीजन हुआ नहीं है इसलिए इनकी सैलरी जो है बेसिक वो कम दिखाई देती है आपको, वेज रिवीजन इनका जल्द होने वाला है और जो सेम सैलरी बैंकिंग के अंदर रहती है वो इनकी भी वेज रिवीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नुकसान जो इनको रहता है वो ये रहता है कि इनके अंदर अलाउंसेज और लीज अकोमोडेशन वगैरह जो दूसरी फैसिलिटीज मिलती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉयज को ज्यादा मिलती है, पेट्रोल अलाउंस हो गया आपका, दूसरे भी जो अलाउंसेज रहते हैं
वो पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय को ज्यादा मिलती है इनके कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को हटा दें और एक वर्क लाइफ बैलेंस प्लस सैलरी प्लस ट्रांसफर प्लस पोस्टिंग, ये तीन चार चीजों को अगर आप जोड़ दें और उसके बाद उनको दोनों को आप चार्ट बना के कंपेयर करेंगे, तो आपको आरआरबी की जॉब ज्यादा अच्छी लगेगी आईबीपीएस की जॉब से। इसलिए अभी इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और पूरी दम लगा के तैयारी करें ताकि आपको अपने घर के नजदीक एक अच्छी जॉब मिल जाए और आप अपनी फैमिली को अच्छे से उनका ध्यान भी रख सकें। और अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।